नमस्कार दोस्तों, आज और ब्रेन अवर लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम चाइल्ड साइकोलॉजी पे बात करना चाहते हैं। चाइल्ड है क्या, थोड़ा सा इस पे हम पहले चाहते हैं बात करें। चाइल्ड हमारा फ्यूचर है। किसी भी परिवार को अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए और हम करते भी हैं। अगर आप देखेंगे, हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस लेते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको दाखिला कराने की कोशिश करते हैं, फिर हम चाहते हैं बच्चे जॉब करें। जिस स्टेटस पे आज हम हैं, हर एक माँ बाप ये चाहता है उसके बच्चे उससे ऊपर जाएं। इस भागदौड़ की भरी जिंदगी में लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं दोस्तों, वो ये कि हमने ये सब काम किए, क्या हमने उसके माइंड को शार्प करने के लिए कुछ किया? थोड़ा सोचिएगा, अगर नहीं किया तो अभी जरूर करिए, ये मेरा अपना सजेशन है। अब ये माइंड को शार्प करने का तरीका क्या है, इस पे आते हैं। आप ये लेकर चलिए कि एक बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो लगभग 2 साल की उम्र तक एज पर साइकोलॉजी वो अपने आप को माँ का ही अपना हिस्सा समझता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए माँ को हम टेंशन में ना रहने दें, माँ खुश रहे, वो बच्चे की सुजेस्टिबिलिटी बनाती है। लगभग 9 साल की उम्र तक बच्चा पूर्णतया सुजेस्टिबिलिटी अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद लाइफ लॉन्ग उसको चेंज करना लगभग असंभव है। अब आते हैं हम बिहेवियर पे। बच्चा बिहेवियर अपना लगभग 18-19 साल की उम्र तक पूरा गेन कर लेता है। कैसा वो बिहेव करेगा इंटेलेक्चुअली, पब्लिकली, वो कैसा बिहेव करेगा? पर इसमें आपने सब कुछ किया, उसके लिए मॉनिटरी बेनिफिट किए, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, मेरे ख्याल हम सबको याद होगी, पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। तो हम क्या उस पर काम कर रहे हैं? फिर दोबारा से आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा। एक बच्चे को आपने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, एडमिशन हो गया, जैसे ही वो बाहर आया स्कूल से, अभी वो उसने खुशी भी इंजॉय नहीं की उस स्कूल की कि मेरा इस बड़े स्कूल में एडमिशन हुआ है। आपने बोल दिया, बेटा अब तुझे या बेटी, तेरे को अब 90% नंबर लेके आने। उसका सारा चार्म चेंज हो गया, अब उस पर एक दिमाग में प्रेशर शुरू हो गया और इसी प्रेशर के चलते हुए हमारे पुराणों में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साइकोलॉजी के। दुर्योधन आप सबने पढ़ा होगा, मुझे ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं। ध्रुव आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। ये सब साइकोलॉजी है, उनकी माँ ने, उनके रिलेटिव्स ने उनको उस लेवल पे डेवलप किया कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम पैसा, अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, बच्चों का माइंड इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए। आप हर चीज़ का बजट बनाते हो, इंश्योरेंस का बजट, प्रॉपर्टी का बजट, कोशिश करो एक छोटा सा बजट बच्चों के लिए माइंड शार्पन के लिए बनाओ। आप देखोगे जो पौधे आपने लगाए हैं वो आपके अनुरूप बड़े होंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, जब गलती से ऐसा होता है कि वो आपके अनुरूप बड़े नहीं होते या आपको रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन पे नहीं मिलते तो हम किसको दोष देते हैं, भगवान को या किस्मत को? दोनों ही चीज़ों में आप सोचिए, इन दोनों के बाद टाइम है क्या? किस्मत आप खुद बना रहे हैं और भगवान इतने खाली नहीं हैं कि सिर्फ आप ही बच्चे का करियर खराब करें। मेरा ये है, आप उस पर पूरा फोकस करें, उसको साइकोलॉजिकल ग्रो करें और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस पर थोपे नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे को सेल्फ ग्रो करने दीजिए। आप अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो कभी उम्मीद मत कीजिए कि बच्चे से करवाना है मैंने ज़बरदस्ती, उससे वो प्रेशर में जाएगा। कभी भी नेगेटिव कमांड मत कीजिए, कभी भी उसका किसी से कंपैरिजन मत कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बच्चे के साथ, किसी रिश्तेदारों के साथ कंपैरिजन करते हैं, आप खुद देखिएगा बच्चे में एक नई प्रवृत्ति डेवलप कर रहे हैं, इसे कॉल डिप्रेशन। अब मेरे एक दोस्त हैं संजय जी, एक बार वो आए थे मेरे पास, उन्होंने, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने छूटते मेरे को बोला, बच्चों क्या सर पर बिठा लें? तो दोस्तों, मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि हम बच्चों को सर पे उठा लें या ओवर पैम्पर करें, पर मुझे लगता है उन्हें सही डायरेक्शन के साथ
दिशा निर्देश दें तो आप देखेंगे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और वो अच्छा करियर में परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा सुजेशन है आप इस पर काम करें, मुझे लगता है आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आपके कोई भी सुझाव हो हमारे लिए साधारण मंत्रित हैं, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कोई भी ऐसा टॉपिक दें जिस पर आप कुछ मैसेज सुनना चाहते हैं, तो आवर ब्रेन आवर लाइफ आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।